डियर स्टूडेंट वेलकम प्रज्ञा स्कूल प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आपको बायोलॉजी में पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग चल रहे थे थ्योरी सिद्धांत। तो थ्योरी सिद्धांत में आपको मैंने चार सिद्धांत दिन बताए थे, कृत्रिम, प्राकृतिक, जातवृत्ति और फिनेटिव। देखिए एनसीईआरटी में आपको इन चार को मैंने अब वैसे बताया था, एम्पिरिकल, रेशनल, रेशनल में फिर इकोलॉजिकल उनको बताया, लेकिन मेनली आपकी ये चार थ्योरी चलती हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने कृत्रिम थ्योरी बताई थी, एक या दो लक्षणों पर आधारित होती है, ओनली वन आर टू करेक्टर्स, और भी क्या मार्फोलॉजिकल माने रंग रूप आकार बास रचना के आधार पर, बाह्य रचना के आधार पर, मार्फोलॉजी आधार पर कृत्रिम वो कहलाता है आपका कृत्रिम। इसमें आपको मैंने बताया था पौधों के लिए थियोफ्रस्टस और लीनियस ने किया था। थियोफ्रस्टस के जब क्लासिफिकेशन बताया था हार सरब और ट्री वगैरह थे, लीनियस ने उसको इसके आधार पर किया था पंक्चुएशनों की संख्या के आधार पर, मोनेंडेड एंडेड टैंडेड एंड इस तरह 24 फैमिली बताई थी। एनिमल के लिए अरस्तू ने किया था, अरस्तू ने बताया था लाल गिर वाले और बिना लाल गिर वाले, लाल गिर वाले फिर जो थे उनमें फिर उन्होंने बताया अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले, वो भी पेरस बेबी पेरस, इस तरह से छोटा सा डिवाइडेशन था वो कहलाता था आपका कृत्रिम। फिर जब हम नेचुरल मेथड में आए थे तो नेचुरल में कई करेक्टर्स जैसे उसकी मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स आदि कई चीज़ों को बेस किया गया, तब उसको कहा जाता है आपका नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड। जंतुओं के लिए प्राथमिक मेथड तो हेल्ड एंड डॉमजस की लीनियस, लीनियस ने जंतु वर्गीकरण किसके आधार पर किया है, प्राकृतिक, पौधों का किया है कृत्रिम और जंतुओं का प्राकृतिक, लीनियस वर्गीकरण बेस्ड ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी माने प्राकृतिक। अच्छा फिर उसके बाद प्लांट का वर्गीकरण हुकर ने किया था, जितना भी हर्बेरिया है सब आपका हर्बेरिया का जो क्लासिफिकेशन है वहाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल किसका है, हुकर का। हुकर की बुक आपको बताई थी जेनरा प्लांटेरम, और लीनियस की बुक आपको तीन बताई थी स्पेसीज प्लांटेरम, फिलॉसफी बॉटनिका और सिस्टेमा नेचुरी। और फिर आपको मालूम इस जेनरा प्लांटेरम उन्होंने 202 कुल बताए थे, और उन्हें मैंने बताया था उन्होंने उनका ड्रॉबैक किया था, उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में मान द्विबीजपत्री से एडवांस मान के उन्होंने किया था कि द्विबीजपत्री फिर जिम्नोस्पर्म फिर एक बीजपत्री बस, लेकिन वैसे लेकिन लगभग लगभग ये काफ़ी अच्छा हद तक सही क्लासिफिकेशन था, और हर्बेरियम में इसी का यूटिलाइजेशन करते हैं हम। बट अब इसके बाद फिर आपको मैंने दो नाम और बताए थे, फाइलोजेनेटिक और फिनेटिक, वो आपको यहाँ शुरू होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल जाति वृत्ति देखिए, जाति वृत्ति सिद्धांत क्या कहलाता है, इसमें वर्गीकरण का जो मेन माध्यम होता है, वर्गीकरण का जो मेन मोटिव होता है वो इवोल्यूशन पर आधारित होता है, जैव विकास पर आधारित होता है, और इसमें डार्विन सिद्धांत का फॉलो अप किया जाता है। एक जैव विकास के मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्टों में आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और एक थ्योरी दी थी उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की, उसी नेचुरल सिलेक्शन माने उसी पर आधारित जब हम वर्गीकरण करते हैं समानता और असमानता कई गुणों के आधार पर, लेकिन उसके विकासी दृष्टि को फॉसिलाइजेशन को जीवाश्मों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं वो सिद्धांत कहलाता है फाइलोजेनेटिक। इसे प्लांट के लिए ई किलर इंडी और ई किलर ने किया, और मेन सिद्धांत आता है एंगलर पेंटल और हचिनसन का, ई किलर एंगलर पेंटल और हचिनसन का, इन लोगों ने आपका फाइलोजेनेटिक सिद्धांत बताया था।
इस सिद्धांत के अनुसार के अनुसार जीवों का वर्गीकरण जीवों का वर्गीकरण कई गुणों के आधार पर जैव विकास इवोल्यूशन व जीवाश्मों फॉसिल्स के आधार पर किया जाता है फॉसिल्स को और इवोल्यूशन को बेस मानते हैं। इसे जाति वृत्तीय कहते हैं, इसे जाति वृत्तीय सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से डार्विन सिद्धांत पर आधारित होता है। और डार्विन ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पर आधारित है, डार्विन सिद्धांत पर, और उसमें मेन चीज क्या ली जाती है, एवोल्यूशन और फॉसिल। हमें फॉसिल की जानकारी, जीवाश्मों की जानकारी रहती है। जीवाश्म होते हैं जो अब पाए जाते हैं, कभी पाए जाते थे, उसके आधार पर स्टडी करते हैं। ये सिद्धांत मुख्य रूप से डार्विन सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन की पुस्तक थी Origin of Species by means of natural selection। तो इन्होंने बताया जीवों की उत्पत्ति प्राकृतिक गुणों द्वारा होती है। जीवों की उत्पत्ति प्राकृतिक वरण से होती है, और इसी को बेस मानकर पूरा वर्गीकरण तैयार किया गया। तो जो जातिवृत्ति सिद्धांत है वो डार्विन के आधारित है। इसमें क्या बताएगा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसी पर नेचर सिलेक्शन पर आधारित होता है। इसको नेचर सिलेक्शन पर बताया, और इस सिद्धांत को आप देखिए किसने किया, तो एंगलर कंटल एंगलर पेंटल ईगलर हचिंसन आदि क्या हचिंसन व तख्त जान वैज्ञानिक पादपों के लिए
तो पादपों के लिए इन वैज्ञानिकों ने काम किया था, एंगलर पेंटल, हचिनसन और तख्तजन। तो एंगलर पेंटल ये बुक है, तो देखिए ये पूरा सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, जैव विकास पर। किस पर निर्भर करता है, जैव विकास माने जीवों का विकास। अब देखिए एंगलर पेंटल की बुक थी, एंगलर पेंटल की बुक थी, और एंगलर पेंटल की एक बुक थी डाई नेचुरल चैन, उनकी पुस्तक थी डाई नेचुरल चैन की प्रांजन फैमिली। अब देखिए डाई नेचुरल विचन, डाई नेचर विचन की प्रांजन फैमिली, फैमिली नामक, फैमिली नामक किताब में उन्होंने वर्णन किया था। 280 कुल बताए थे, कितने बताए थे, 280 कुल, जबकि उन्होंने कितने बताए थे, 202 कुल बताए थे, और उन्होंने पादपों के 280 कुल बता दिए। और उसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म को पहले रखा, बाद में आगे रखा द्विबीजपत्री, फिर एक बीजपत्री, फिर उसको और डिवाइड किया था। तो इस तरह से एक उन्होंने दिया था, फिर इसको और अच्छा किया था हचिनसन और तख्तजन, हचिनसन और तख्तजन ने, तख्तजन ने, हचिनसन और तख्तजन जान में। अब इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी और 411 कुल कवि, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनकी पुस्तक क्या थी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें इन्होंने बता दिए 411 कुल। तो आज जो हम मान रहे हैं 411 कुल हैं, और इस आधार पर उन्होंने जैव विकास का तैयार नेचुरल सिलेक्शन डार्विन आधार। तो ये पूरी थ्योरी डार्विन बेस्ड है कि जो जू खत्म हो गए उनसे सिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज कैसे क्या, उन सब पर आधारित जब सिद्धांत आता है तो उसे कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक, जाति वृत्तीय सिद्धांत। अगला सिद्धांत है फिनेटिक, अगला सिद्धांत है फिनेटिक, फिनेटिक ये भी समानता असमानता के आधार पर और मॉडर्न प्रक्रियाओं पर आधारित है, आधुनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसमें निम्न चार चीजों को सम्मिलित किया गया है, इस सिद्धांत पर जीवों का वर्गीकरण, उनकी
समानता व असमानता, सिमिलरिटीज व डिसिमिलरिटीज, समानता व असमानता, असमानता पर विभिन्न लक्षणों पर किया जाता है। जिसमें फॉसिल्स ज्ञात नहीं होते हैं किंतु जैव विकास पर आधारित होता है। जीवाश्मों के अनुपस्थित अभाव जीवाश्मों के अभाव पर जैव विकासी दृष्टि जैव विकास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। विदाउट फॉसिल है ये, वो जो था इसके पहले वाला आपने कह रहा था फिर फॉसिल था, अलॉन्ग विद फॉसिल माने वहां फॉसिल आपको ज्ञात था, यहाँ पर फॉसिल नहीं है लेकिन जैव विकास पर आधारित होता है, फिनेटिक कहलाता है। इसमें निम्न चार, इसमें निम्न चार प्रक्रियाओं पर आधारित वर्गीकरण करते हैं। नंबर एक होता है इसमें साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, साइटोन माने होता है सेल और टैक्सो माने होता है टैक्सॉन, नॉमी माने नॉमन। टैक्सोन टैक्सोनॉमी आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन नॉमन के लिए चले क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, सेल के आधार पर। टैक्सोन मतलब साइटोन माने होता है सेल, साइटोन माने क्या होता है सेल, उस सेल के आधार पर, इसके कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर क्या क्या करना होता है, पहचान, नामकरण व वर्गीकरण क्या कहलाता है, साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है, साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है, साइटोटैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम कोशिका के आधार पर पहचान करेंगे, नामकरण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब सेल में क्या लिया जाता है, सेल में गुणसूत्रों की संख्या व आकार के आधार पर क्या करते हैं, आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, गुण सूत्रों की संख्या और आकार, मॉर्फोलॉजी एंड नंबर मेन चीज होती है, गुण सूत्रों की संख्या, गुण सूत्रों की संख्या के आधार पर हैं उस साइटोटैक्सोनॉमी। गुण सूत्रों की संख्या हर जीव में निश्चित होती है, गुण सूत्रों की संख्या प्रत्येक जीव कोशिका में निश्चित होती है, कोशिका में निश्चित होती है। जो एक से लेकर कितनी भी हो सकती है, मिनिमम एक होते हैं, मिनिमम
वन टू मौसम। और अभी तक अधिकतम हमने पाया है 1600 क्रोमोसोम ऑली कैंथा में, और मैक्सिमम जो एग्जांपल हमारे पास है वह 1600 ऑली कैंथा। ऑली कैंथा अमीबा होते हैं। अब आप देखिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है, जैसे ओफियोब्लासम प्लांट में अधिकतम होता, पादप में अधिकतम तो वो होते हैं ओफियो ब्लॉसम, और इसकी संख्या 1260। अब बात करें मानव में, सिर्फ होते 46 मानव में, 46 आपके मक्का में, 20 मक्का में, 20 मटर में, 14 कॉफी में, 48। तो वादी की सभी में अपनी अपनी संख्या है, कुछ भी संख्या हो सकती है 1 से लेकर 1600 के बीच में, कुछ भी संख्या हो सकती है, एक अगुणित अवस्था होती है और एक द्विगुणित अवस्था होती है। अगुणित का मतलब होता है जितने इकाइयां होती हैं, शुक्राणु अंडाणु अगुणित होते हैं, अगुणित मतलब एन होते हैं। कुछ पादप भी एन होते हैं, ब्रायोफाइट पादप भी अगुणित होते हैं, थैलोफाइट पादप भी अगुणित होते हैं, लेकिन ज्यादातर द्विगुणित होते हैं। तो माने आवृत भी द्विगुणित होते हैं। तो इस तरह से आधारित जब हम गुण सूत्रों की संख्या का आधार देते हैं तो वो कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें चार चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी, माने सेल नंबर पर आधारित हो जाएगा। अब दूसरा होता है सेल की नंबर, सेल में क्या देखते हैं हम, उसमें देखा क्या जाता है साइटोटैक्सोनॉमी में, गुण सूत्रों की संख्या और आकृति। फिर हम देखते हैं मान लीजिए केमोटैक्सोनॉमी, अब नाम से समझ आ रहा है केमोटैक्सोनॉमी, केमो माने क्या हो जाएगा केमिकल, और वर्गीकरण यहाँ पर केमिकल आधारित वर्गीकरण है, केमो का मतलब है केमिकल से, केमिकल का मतलब है रसायन से। केमोटैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा, केमोटैक्सोनॉमी क्या हो जाएगी, रासायनिक के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें क्या क्या आप देखेंगे, तो जितने भी केमिकल होते हैं सेल के बनाने में, जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, मतलब क्या क्या होता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड माने वसा के लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका आता है न्यूक्लिक एसिड, DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड इसी में आएगा, DNA RNA, क्रोमोसोम अलग है, क्रोमोसोम DNA से बनता है, DNA RNA प्रोटीन से, तो ये उसको सबको इसमें इंक्लूडेड कर दिया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड को कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल्स, अब जैसे सिस्टोलिथ ये होते कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, रेफाइड कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल,
रेफाइड्स, कैल्शियम आर्जिलेट क्रिस्टल, ऑक्सिलेट क्रिस्टल, तो ऐसे आपका ये सब होते हैं। 35 फैमिलीज बन जाती है इस आधार पर। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल, आपका कैरोटीन, जैंथोफिल, तो ये सब में स्पेशलाइजेशन होता है। ये सब केमिकल है, अगर उसके केमिकल आधारित करते हैं उसको कहते हैं केमो टैक्सोनॉमी। ट्रूथर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, सांख्यिकी, न्यूमेरिकल न्यूमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल न्यूमो टैक्सोनॉमी, सांख्यिकी। अब इसमें क्या होता है, उसमें हम क्या देखते हैं, तो नंबर्स, गुणों, गुणों के, गुणों की संख्या, समानता, असमानता, असमानता, लक्षणों का डाटा बनाता है, डाटा एनालिसिस माने डाटा विश्लेषण, विश्लेषणात्मक वर्गीकरण होता है। इसमें हम उसका डाटा तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, तीन प्रकार के लक्षण होते हैं। अब देखिए इसमें तीन प्रकार के लक्षण होते हैं। एक होते हैं प्लस माने धनात्मक, धनात्मक मतलब हुआ एडवांस लक्षण, एडवांस्ड लक्षण मतलब एडवांस्ड लक्षण जो बन रहे हैं, जो नए और एडवांस अच्छे लक्षण बढ़ रहे हैं वो होते हैं। माइनस माने ऋणात्मक मतलब क्या हुआ, एंसिएंट लक्षण, पूर्वज लक्षण, एंसिएंट करता पूर्वज लक्षण। और थीटा इसमें थीटा नॉट अवेलेबल, ज्ञात नहीं होते हैं, एडवांस है एंसिएंट है। इनका पूरा डेटा तैयार किया जाता है, पूरा डेटा संख्यात्मक आधार पर जब तैयार करते हैं वो कहलाता है आपका न्यूमो टैक्सोनॉमी। तो न्यूमो टैक्सोनॉमी ने नंबर्स, संख्या, संख्यात्मक, सांख्यिकी ना कहकर संख्यात्मक, संख्यात्मक, संख्यात्मक संख्या पर आधारित होगा, गुणों की संख्या। और गुण तीन प्रकार के, धनात्मक जो एडवांस फीचर है, ऋणात्मक जो पूर्वज पुराने लक्षण है, थीटा जिनका अनअवेलेबल है, नॉट अवेलेबल जो ज्ञात ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इनका खाका बनाकर जो वर्गीकरण करते हैं उसको कहते हैं फ्री नेटिव। फिर एक चौथी चीज लेते हैं अपन, हम क्लैडिस्टिक, फिर एक और चीज लेते हैं क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक में क्या होता है, उनकी समानता और असमानता के लक्षणों के आधार पर पूरा एक ग्राफिकल चित्रीय शाखान्वित निरूपण किया जाता है। तो जीव में पूर्वज लक्षण व नए लक्षण, नए लक्षणों के आधार पर, के आधार पर चित्रीय, चित्रीय
शाखान्वित, शाखान्वित वर्गीकरण करण किया जाता है। चित्रीय शाखान में पूरा उसकी फैमिली ट्री बनाई जाती है, फैमिली ट्री आधारित होता है। तो अब इसमें देखिए फैमिली ट्री पर आधारित होता है कौन कौन से लक्षण उसके कैसे हुए, किससे डिवाइड होता गया, उस पर आधारित होता है। इसमें दो प्रकार के लक्षण लिए जाते हैं, एक होते हैं प्लेसीमॉर्फिक, प्लेसीमॉर्फिक मतलब पूर्वज लक्षण, पूर्वज लक्षण, और होते एमॉर्फिक, एमॉर्फिक नए लक्षण। अब उसके आधार पर उसकी हम शाखाएं करते जाएंगे, सब पूरा किंगडम जगत सब डिवाइड हो जाता है, तो वो एक उसका पूरी फैमिली का ट्री जैसा बन जाता है, उसके निरूपण को कहा जाता है फीनेटिक। कौन सा वर्गीकरण होता है? फीनेटिक वर्गीकरण। तो अब आपको चार प्रकार का था, ये आपके एनसीईआरटी में केवल नाम थोड़े थोड़े से दिए हैं, मैंने इसके अंदर का थोड़ा थोड़ा होता है इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो देखिए पहला साइटॉन सेल आधारित होता है, उसमें सूत्र की संख्या। दूसरा था केमो, उसमें केमिकल लेंगे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसका जो भी केमिकल है। और तीसरा न्यूमो माने नंबर्स लेंगे, कौन सा फीचर क्या है नंबर्स देंगे, उसका डेटा तैयार करेंगे। और जो तीसरा है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, पूरा चित्री निरूपण उसकी फैमिलीज का किया जाता है, उसमें कौन से पूर्वज लक्षण है कौन से नए लक्षण है, वो आपका चला फैक्टर। इस प्रकार से ये थे आपके पूरे सिद्धांत। लेकिन एक वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ट्यूरिंग थ्योरी वर्गीकरण के लिए ट्यूरिंग थ्योरी। ट्यूरिल एक सिद्धांत है, ट्यूरिल वैज्ञानिक है, ट्यूरिल के आधार पर अगर आप ट्यूरिल के आधार पर जाएं तो उन्होंने तीन वर्गीकरण का आधार लिया, अल्फा बीटा और ओमेगा। तीन लिया था अल्फा और दूसरा बीटा और तीसरा ओमेगा। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कभी कभी आपके पुराने कोर्स में मिल जाएंगे। अल्फा का मतलब है फ्लोरा और फौना पर आधारित। आपको फ्लोरा शब्द पढ़ाया था, फौना शब्द वहाँ पर जब आपको मैंने वो बताया थे साधन, साधन तो वहाँ बताया था मैं कैटलॉग मोनोग्राफ फ्लोरा। फ्लोरा माने पादपों का, इसमें तो अल्फा जो होती है इसमें दो चीज लेते हैं, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा में क्या होगा? पादप वर्गीकरण, और इसमें क्या होगा? प्राणी वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण। तो इनको इनके सब समानता असमानता के आधार पर आपको वहां बता चुका हूं फ्लोरा, उसका डिस्क्रिप्शन और कहां मिलता है क्या है उसके सब के आधारित जब वर्गीकरण पादप का करते हैं तो फ्लोरा, जंतु करते हैं तो फौना। और बीटा में कई गुणों पर आधारित, बीटा विभिन्न गुणों पर आधारित होता है, विभिन्न गुणों पर आधारित होता है, जिसमें वही सब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी माने आकार की, आकार की, एनाटॉमी शरीर की, शरीर की, शरीर की, फिजियोलॉजी कार्य की, फिजियोलॉजी कार्य की, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण की, भ्रूण की,
बहुत से गुणों पर आदि गुणों पर आधारित वर्गीकरण करते माने एज ए प्राकृतिक वर्गीकरण हो गया। बीटा क्या हो गया? प्राकृतिक वर्गीकरण जैसा। और ओमेगा है वो मॉडर्न है। ओमेगा क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाएगी। वही आपका समानता असमानता के आधार पर या समानता और असमानता विभिन्न गुण के साथ साइटोटैक्सोनॉमी न्यूमोटैक्सोनॉमी सबको ले लेते हैं तो कहलाता है ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ओमेगा माने विभिन्न गुणों पर विभिन्न गुणों की समानता और असमानता समानता व असमानता पर आधारित निम्न को मुख्य आधार रखते हैं। तो ये आपके जो भी मैंने बताया है पर वर्गीकरण करते हैं। अभी जो मैंने बताया है वही साइटोटैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी सेल देखेंगे, केमोटैक्सोनॉमी केमिकल देखेंगे, न्यूमोटैक्सोनॉमी नंबर देखेंगे, संख्या देखेंगे, क्लैडिस्टिक। इन सब के आधार पर जब आप वर्गीकरण और ये सब गुणों का कंपेरिजन करके जब आप बनाते हैं वो कहलाता है ओमेगा। और ये टर्म था ट्यूरिल का। तो ट्यूरिल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से एनसीईआरटी में ट्यूरिल का नहीं दिया गया, लेकिन पुराने कोर्स पे था कि दो बार पूछा गया है। तो अल्फा में फ्लोरा फोना सीधे पादप और जंतु वर्गीकरण उनके आक्रेंस और उसको आधार दिया जाता है मार्फोलॉजी को, और इसमें बहुत से गुणों को आधार दिया जाता है। इसमें मार्फोलॉजी का आधार होता है मानी एक तरह का आपका कृत्रिम हो गया ये प्राकृतिक हो गया, और यही आपका फिनेटिक का माध्यम है। हाइलो और फिनेटिक को जोड़कर आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। अब आता है जगत वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? जगत वर्गीकरण। जगत वर्गीकरण में हम जाते हैं जगत वर्गीकरण। आपको बताया था वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत होती है और सबसे छोटी इकाई जात होती है। लेकिन जगत से बड़ा डोमेन एक होता है। लेकिन वैसे देखा जाए जो आपको मैंने बताया वहां पर यूनिट्स में आप यूज ही करेंगे सबसे बड़ी इकाई जगत सबसे छोटी इकाई जात। तो अगर जगत वर्गीकरण क्या है? जगत वर्गीकरण माने किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिया गया था दो किंगडम वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण था तो जगत वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण था सिर्फ दो जगत की जानकारी थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा था? टू किंगडम, सिर्फ दो जगत थे और इसे लीनियस ने दिया था। दो जगत वर्गीकरण लीनियस ने दिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया था दो जगत वर्गीकरण। कितना बताया था? सिर्फ दो जगत होते हैं। इन्होंने बताया सिर्फ दो जगत होते हैं, एक होता है पादप जगत प्लांटी और दूसरा होता है एनिमेलिया प्राणी, प्राण जगत एनिमेलिया। अब प्लांटी कौन होता है? सेल वाल होती है तो पादप होता है। सेल वाल होती है तो पादप होता है और सेल वाल नहीं होती तो जंतु होता है। लीनियस ने सिर्फ दो जगत बताए थे, सेल वाल उपस्थित ने उसका भित्ति उपस्थित तो पौधा, उसका भित्ति क्या होती है? उपस्थित। और उसका भित्ति अनुपस्थित होते जंतु।
उसका वृत्ति उपस्थित और उसका वृत्ति अनुपस्थित। अनुपस्थित वाले जंतु है और उपस्थित वाले पौधे, ये दो जगत वर्गीकरण बताया था हमारे, जिन्हें हम पादप वर्गी का जनक कहते हैं जीनियस। अब दो जगत के बाद आ गया तीन जगत वर्गीकरण, फिर तीन जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण माने हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम, तीन किंगडम बना दिए। इसको दिया था हीकेल ने, हेकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हेकेल ने दिया, इसको लीनियस ने दिया, और इसे हेकेल ने दिया। अब हेकेल ने क्या बताया, तीन जगत, तो तीसरा जगत इन्होंने बता दिया, एक बढ़ा दिया। कौन सा जगत बढ़ाया इन्होंने, उन्होंने जो जगत बढ़ाया उसका नाम दिया प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या बढ़ाया, प्रोटिस्टा। उनके आधार पर सिर्फ दो जगत थे लेकिन इन्होंने उसको बढ़ा दिया, एक प्रोटिस्टा, फिर वही प्लांटी और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया, मतलब सब कुछ वही है, तो पादप और जंतु। प्रोटिस्टा इस शब्द बढ़ाया उन्होंने, इसमें किसको रखा, एक एक कोष की जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रखा प्रोटिस्टा, इसमें एक कोष की जीवों को रखा गया, एक कोशिकीय, सिर्फ एक कोष का शरीर में है, यूनिसेलुलर, एक कोष की जीव को प्रोटिस्टा में रख दिया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलेना, एक कोष की जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आपके क्या होते हैं, एक कोष, और इसमें क्या है, बहुकोशिकीय सेल वॉल वाले, बहुकोशिकीय हो गए, पहले सिर्फ कोष का भित्ति वाले थे, अब ये बहुकोशिकीय और सेल वॉल उपस्थित माने कोष का भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल उपस्थित, लेकिन साथ में अब क्या है, बहुकोशिकीय हो गए, और ये भी बहुकोशिकीय, बहुकोशिकी उनको भी रखा, बहुकोशिकी और सेल वाल रहे तो उपस्थित वाले हैं और ये रहित वाले हैं, बस इतना। अब देखिए पहले सिर्फ सेल वाल, अब उसमें आ गया क्या, एक शब्द जोड़ दिया क्योंकि ऊपर एक कोशिकी चला गया, फिर अब हेकेल ने ये खोजा था, तो फिर आ गया अगला वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण, इसको कोपेलैंड ने दिया, क्लासिफिकेशन इसको बताया था कोपेलैंड ने, कोपेलैंड साइंटिस्ट थे, अब कोपेलैंड ने जब डिवाइड किया तो चार जगत हो गए, इसमें कितने हो गए, चार। पहला जगत इन्होंने क्या बताया, मोनेरा कर दिया, इन्होंने मोनेरा एक जगत खोज दिया, और मोनेरा में रखा सिर्फ प्रारंभिक कोशिका वाले, जिनके पास पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, इसमें आते प्रारंभिक कोशिका वाले, प्रारंभिक कोशिका वाले जी, प्रारंभिक कोशिका वाले जीवों को मोनेरा कह दिया, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, उनको कहा गया प्रारंभिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्रारंभिक केंद्रक होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है,
वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है प्रोबायोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। ये एक इन्होंने बनाया, जैसे जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, इनको रखा मैं, फिर वही प्रोटिस्टा था, अगला तो वही प्रोटिस्टा था। अब प्रोटिस्टा में किसको रखा उन्होंने, एक कोशिकी, लेकिन यू कैरियोटिक, पहले क्या था एक कोशिकी सिर्फ थे, लेकिन अब क्या हो गया एक कोशिकीय यू कैरियोटिक, एक कोशिकीय यू कैरियोटिक, एरिकोटिक उसका बन। अगर एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका है तब इसमें आएगा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक इसमें आएगा, दो कोशिकीय प्रोकैरियोटिक इसमें आएगा, ये डिवाइडेशन हो गया। अब प्लांट भी फिर आया, तो ये पादप, अब पादप में उन्होंने किसको रखा, पादप में किसको रखा, वही बहुकोशिकीय सेल, लेकिन कौन सी सेल, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय। और कोशिका भित्ति सेल वाल उपस्थित, वो वाले इसमें रखा। और जंतुओं में भी इसी तरह, प्राणी में एनिमिलिया, इसमें भी वही बात की गई, यहां भी वही बात लागू हो गई, क्या यू कह रहा कि बहुकोशिकीय सेल वाल रहित रहित वाले प्राणी होते हैं, और सेल वाल माने कोशिका भित्ति। देखिए पहले दो जगत आया, फिर तीन जगत आया, फिर चार जगत आ गए, क्या क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा और पादप। पर पहले सिर्फ थे पादप पर प्राणी, फिर यहाँ बड़ा प्रोटिस्टा, यहाँ बढ़िया मोनेरा, और अब जो आज का सर्वमान्य है, सबसे ज्यादा मान्य है, वह पांच जगत वर्गीकरण। अब क्या चल रहा है, फाइव किंगडम, पांच जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये दिया है आरएच व्हिटेकर ने, इसे दिया था आरएच व्हिटेकर, व्हिटेकर ने दिया। ये व्हिटेकर वर्गीकरण यही आज मोस्ट एक्सेप्टेबल है, वर्गीकरण कौन सा एक्सेप्टेबल है आज, पांच जगत वर्गीकरण, आज का जो वर्गीकरण है मोस्ट एक्सेप्टेबल, पांच जगत वर्गीकरण, इन्होंने पांच जगत कर दिए। अभी आपके पास से कितने जगत थे, चार, और चार के बाद अब इन्होंने पांचवा भी खोज दिया, पांच जगत कर दिए, क्या क्या बता दिया, पहला मोनेरा सेम वही रहेगा, दूसरा प्रोटिस्टा सेम वही रहेगा, तीसरा इन्होंने कवक जगत बताया, फंगी ये नया किया, और फिर पादप क्रांति रहा, और फिर एनिमिलिया रहा, प्राणी वाला रहा। अंतर सिर्फ इन्होंने बताया, पादप को फिर डिवाइड किया कवक और पादप। तो यहां पर देखिए यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय काइटिन कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, काइटिन कोशिका भित्ति वाले कवक होते हैं और सेलुलोज कोशिका भित्ति वाले पादप होते हैं। इसको फिर वहां से डिवाइड किया और इस तरह अब इसका पूरा वर्णन हमें आगे करना है, पांच जगत वर्गीकरण ही हमें पूरा पढ़ना है। तो फिर टेकर का पूरा वर्गीकरण हमें पढ़ना है,
अभी आपको नेक्स्ट टेकर पूरा वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, पांच जगत वर्गीकरण। तो आज का जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है? पांच जगत कौन सा है? विटेकर का है, मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप और प्राणी। तो मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगी प्लांटी एनिमिलिया, और इसको किस आधार पर उन्होंने कैसे वर्गीकरण किया विटेकर का वर्गीकरण आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है विटेकर वर्गीकरण। तो थैंक यू वेरी मच। अब आपको बराबर में बोल रहा हूँ, मैंने आज आपको जगत वर्गीकरण और ये पूरा क्लासिफिकेशन बताया, और आपको बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर में बराबर दे रहा हूँ 777-20-26-164। आप कॉल कीजिए, आप कंसल्ट कीजिए, आपकी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू, ध्यान रखिएगा, ठीक।